हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोगों को बताया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है और पोजिशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी कहानियाँ आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले टर्न तक। यस सर, नो? अब पट्टा, इसके बाद हम लोग आगे जो चल रहे हैं, अगली कहानी में वो मुझे एक फिगर दे रहा है, ये फिगर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? सभी लोगों को नोट्सों में मिल गया ये क्वेश्चन? मिल गया। वो कह रहा है ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ए बी, बी सी और सी डी, तो कह रहा है इन पार्ट्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो। ही इज आस्किंग यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी, एक्सेलरेशन इन पार्ट बी सी एंड एक्सेलरेशन इन पार्ट सी डी। ये तीन बातें हम लोगों से पूछ रहा है। क्लियर? तो तैयार हैं हम लोग बताने के लिए? तो भैया फिलहाल बताना तो गया तेल लेने, जिससे जो पूछा जाए वो जवाब देना, ठीक है? जवाब मिलजुल के दोगे या भीड़ भड़क्का एक साथ पूछूं सबसे? भीड़ भड़क्का से पूछूं? चलिए ठीक है, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? चलो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ सभी लोगों को, ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सिस वाई एक्सिस वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है और ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे ना, अच्छी बात है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, तो मुझे बता सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ? ए। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, समझ गए? अगर कोई ऑब्जेक्ट बी से सी की तरफ जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट सी। सी से डी की तरफ जाओ तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट डी। हाँ, सीन क्लियर है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी सिचुएशन की, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है ये? कौन सी सिचुएशन है? आप महान है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? बोलो भैया। तो वेलोसिटी जे रही, बी पॉइंट पे वेलोसिटी जे ही तो होगी। कितने है? 20। पक्का? समझ गए, 20 इज द राइट आंसर। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितने गए? 0। अच्छा, सी पे वेलोसिटी कितने गए? 20 है? 20। अच्छा, डी पे वेलोसिटी कितने गए? 0। को धसवा रहा तो ना ने? नहीं हुए तो बताए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये सारी बातें आप समझ गए तो अगली बात पे आता हूं। ये जो B पॉइंट है ना, B पॉइंट दिख रहा है सभी को? B पॉइंट, B पॉइंट पे टाइम कितना है? टाइम, व्हाट इज द टाइम एट पॉइंट B? 4 है ना? क्लियर है? 4, समझ में आ रहा है सभी को? मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सीन क्लियर है? अच्छा, मुझे बता सकते हो C पॉइंट पे टाइम कितना है? 8। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू ऑल अंडरस्टैंड राइट? तो जो भी करना है वो आपको ही करना है, मैं कुछ इशारे करूंगा आप बताना, ठीक है? सबसे पहले उसने मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन बताऊं पार्ट ए बी में, तो भैया देखते हैं हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी, ठीक है भैया? सुना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बोला भैया क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? फिर से बोलो। You mean to say change in velocity, शॉर्ट में लिख दिया मैंने velocity, divided by time interval। मैं बेर बेर नहीं लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला एक ही बेर लिख दो मैंने, है ना? ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी वी वन है, फाइनल वेलोसिटी वी टू है, तो वॉट वुड बी द चेंज इन वेलोसिटी? सारे कर्म पहले ही करा चुका हूं, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस बटे टाइम इंटरवल t2 माइनस। सीन समझ में आ रहा है सभी को? तो सबसे पहले हम ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन, ठीक है, v2 माइनस v1, इसका मतलब समझे, v1 बोले तो फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी, v2 बोले तो सेकंड सिचुएशन में वेलोसिटी, जो अभी आते से ही बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट सिचुएशन में टाइम, सेकेंड सिचुएशन में टाइम, क्लियर है? Yes, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? ए बी, क्लियर? तो इस ए बी पार्ट में
फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? ए वाली। सेकंड सिचुएशन कौन सी है? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, क्लियर? चलो आ जाओ, एक का मैं बता देता हूं, आगे अब उसके बाद एक भी नहीं बताऊंगा, सब आपको बताना होगा, ठीक है? दिस इज द वेलोसिटी इन सेकंड सिचुएशन। वैसे आप ही बताओ। हाँ समझ गए, क्योंकि इसमें ए बी पार्ट में ये सेकंड सिचुएशन है और सेकंड सिचुएशन में वेलोसिटी 20, तो ये 20। फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी 0, क्योंकि ये फर्स्ट सिचुएशन है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, दैट इज व्हाई इट इज 0। सेकंड सिचुएशन में टाइम, क्योंकि सेकंड सिचुएशन ये है और टाइम वाला एक्सेस ये रहा, तो यहां पर टाइम हमारा कितना है? 4। फर्स्ट सिचुएशन में टाइम 0, क्योंकि ये फर्स्ट सिचुएशन है, टाइम वाला एक्सेस ये है ना, तो 0। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट? तो ये हमारा हुआ एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी इज इक्वल टू 20 माइनस 0, 4 माइनस 0, 4 5 20। तो हमारा आंसर आ गया एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं? नापते नहीं नापते? क्लियर है? तो फटाफट इसे उतार लो, फिर आगे की बात करूंगा। लिसन एवरीवन, यहां वेलोसिटी कितनी थी? 0। यहां वेलोसिटी कितनी है? 20। तो यहां से यहां तक जब मैं जा रहा हूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है। पहले 0 थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 हो गई, यानी वेलोसिटी बढ़ी। अच्छा, यहां टाइम कितना था? 0। यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड हो गए, है ना? यानी टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। And if the velocity of an object increases with time, then it is called positive acceleration. कैसा acceleration? इसीलिए देखिए आपका आंसर पॉजिटिव आया है। समझ गए? क्लियर? कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? Acceleration यानी accelerator? बोलो कहा? Accelerator लगेगा तो गाड़ी की velocity काहे कम नहीं होगी? क्यों? ये कहे कम भी तो होती है एक्सीलेटर से, न्यो कर देंगे तो बढ़ जाएगी, न्यो कर देंगे तो कम हो जाएगी। लेकिन एक्सीलेटर न न्यो करूं न न्यो करूं तो वेलोसिटी फिक्स रहेगी न बढ़ेगी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0। नहीं, यही बात समझ। अगर वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है तो चेंज इन वेलोसिटी कितने गएगा? 0। समझ में आ रही है कि बेस इन रहा है चिपटे हो? आ रही है? आए तुम्हारी जेब में 5 रुपया है, कल तुम आए, कल तुम्हारी जेब में 5 ही रुपया आए। अब मैं पूछू चेंज इन रुपीज कितना हुआ तो कहा कहोगे? 0। समझ गए? अगर वेलोसिटी में चेंज 0 हो तो एक्सेलेटर कितना होगा? 0। कोई एक्सेलरेशन ही नहीं भैया, एक्सेलेटर होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना है रो जाकर मतलब एक्सेलेटर दे ही ना रहो। बोलो भैया। yes, सही बोल रहा हूं ना? तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। गौर से देखना, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 20। सी पे कितने गए? 20। यानी बी से लेके सी तक पहुंच गया भाई साहब में, लेकिन वेलोसिटी मजा ले चेंज है जाए भैया का। तो जाओ का मतलब बी सी पार्ट में एक्सेलरेशन कितने को होगा? 0। ओरल हो गया, वैसे ही हो गया, समझ गए? वैसे तो अभी हम लोग निकालेंगे बीसी पार्ट में एक्सेलरेशन, अपने आप 0 आएगा। और देखो, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक? सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 20। यहां से यहां आया हूं तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। हवा लावेगा अपने आप, अपने आप पता पच जाएगी अपन ने, क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ू मैं फिलहाल? Yes, चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी, पॉजिटिव आंसर आया हमारा। ये हमें वैसे ग्राफ से देख के भी बता सकते थे पॉजिटिव आंसर, कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। नहीं आई मेरी बात समझ में? आगे बढ़ता हूँ। अगर इतने कहीं समझ में आ रही है लाल आ रही, तो फिर अगली बात पे आता हूँ। अब हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन इन पार्ट जी। हाँ जी हाँ मेरे भाइयों, एक्सेलरेशन इन पार्ट बी सी करूँ दप्पा। बीसी पार्ट नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्लियर?
अच्छा बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे जरा ये बताओ इसमें फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? बी. सेकंड सिचुएशन सी. वेरी गुड. फॉर्मूला यही है हमारा. रेडी yes. चलो मुझे चाहिए वेलोसिटी इन सेकंड सिचुएशन. बताओ. हाँ यानी सेकंड सिचुएशन कौन सी वाली? जेवारी जेवारी सी वाली. इत्तफाक दो पे सेम ही है. क्लियर. 20. फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी 20. सेकंड सिचुएशन में टाइम 8. ये सेकंड सिचुएशन है, यहां पे टाइम 8 है ना. फर्स्ट सिचुएशन में टाइम, फर्स्ट सिचुएशन ये रही, टाइम है 4. 20 माइनस 20 जीरो. 8 माइनस 4 अब जीरो के नीचे फोर कितने को बड़े सेंसा बने रहे. जीरो ने आई नो को की ना सुनी. क्लियर yes. सही बोल रहा हूं ना. समझ में आया बात. एक्सेलरेशन जीरो क्यों आया बेटा? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई. क्लियर है? फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर आगे की कहानी कहूंगा. इसके बाद अगला एक्सेलरेशन इन पार्ट सी डी. सभी लोग गौर से देखिएगा एक्सेलरेशन इन पार्ट सी डी. तो बीसी की जगह यहां पर क्या लिख दूं? सी डी. चलो भैया ये कौन सी सिचुएशन है और ये second. अब फटाफट बताओगे ना. चलो बताओ सेकंड सिचुएशन में वेलोसिटी. ये सेकंड सिचुएशन है, वेलोसिटी वाला एक्सिस जीरो, तो सेकंड सिचुएशन में वेलोसिटी यहां जीरो हुई. फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी 20. सेकंड सिचुएशन में टाइम है 8 की बाबा या यदि मोए. हां 10. फर्स्ट सिचुएशन में टाइम 8. 0 माइनस 20 10 माइनस 8 2. सीन क्लियर है सभी को? तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप लोग. फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ूंगा. चलो वेल एवरेज स्पीड आज से कुछ दिनों पहले मैंने बताई थी. हाँ बताएं आप एवरेज स्पीड एक बार फिर से. एवरेज स्पीड. हाँ आप सही बोला. वेरी गुड. क्लियर. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. राइट. सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. राइट. तो इसी तरीके से यहां पर हम लोग डेफिनेशन बता देंगे. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. सीन क्लियर है सभी को? क्लियर. यानी एवरेज स्पीड की तरह ही इसकी सेम डेफिनेशन है. किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मैं उसे बोलूंगा कि लाला द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. पढ़ लो फटाफट, समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ूंगा. क्लियर है सभी को? जैसे एवरेज स्पीड की डेफिनेशन थी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. आगे बढ़ो. इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने. डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. कहा फिर से बोलो. वैसे तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ा चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ा चुका हूँ. समझ में आ रही है मेरी बात? इसी तरीके से होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. वेल जो लोग नए आए हैं शायद हो सकता है उन लोगों ने नहीं सुना हो ये वर्ड इंस्टेंटेनियस. क्लियर. इंस्टेंटेनियस वर्ड, इसमें इंस्टेंट आ रहा है इंस्टेंट. मैंने पहले भी बताया था मैगी का एड देखते हो आप, उसमें बोलता है वो इंस्टेंट कुक, यानी तुरंत फटाफट पक जाती है, इसलिए इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब होता है किसी ने जैसे बोला डू दिस वर्क इंस्टेंटली, यानी इस काम को अभी के अभी करो, तुरंत फटाफट उसी मूवमेंट पे. समझ में आ रही है बात? कहा उसी मूवमेंट पे उसी क्षण. समझ में आ रही है बात? मुझसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है. तो भैया द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर. फिर से बोल रहा हूं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होता है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, देसी में समझे, गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में जो कांटा होता है ना स्पीडोमीटर का, जो बताता है गाड़ी 20 पे चल रही है, 40 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, तो वो आपको पल पल की खबर देता है किस मूवमेंट पे गाड़ी का स्पीड कितना है, वो बताता है आपको.
तो वो जो बताता है आपको दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रही है बात? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो। गरण में स्टेबलाइजर लगे होंगे? लगे ना लगे? लगे। तो बामे ऐसे पैमानो से बनो रहे तो तापे वी लिखी रहते हैं यो में के लिए बामर रहे तो एक कांटो बोलो और अचानक से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है कांटो चिक जाते हुए क्लियर बोलो यानी वो आपको हर पल बताता है किस मोमेंट पे कितना वोल्टेज है तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर मोमेंट की वैल्यू अगर हमको बता रहा है तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। गॉट इट गाइस? समझ में आ रही है बात सभी को? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है जो फॉर्मूला है दैट इज ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। उस दिन मैंने एक्सेलरेशन के काफी सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखाए थे ना उसमें यह भी लिखाया था अगर आपको याद हो तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और पुराना हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अगर तुम्हें याद हो तो v की जगह जहां मैं डी एक्स अपॉन डी टी तान देंगे तो नजारो ऐसा है जागो नहीं है जागो। तो जे इसको हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ रही है सभी को? हमारे काफी सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो मुझसे बोलेंगे सर समझ में आ गया सर समझ में आ गया सर समझ में आ गया लेकिन यहाँ थोड़ा सा लोचा है सर। मैं पूछूंगा क्या लोचा? देखो एक भाई मेरा बोल पड़ा कि सर d इंटू डी डी स्क्वायर ठीक है x x टी 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 स्क्वायर d इंटू डी डी स्क्वायर कहाँ गई? क्लियर? तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरी बात को समझें। एक्चुअली अभी आप बिगिनर हैं मैथमेटिक्स में, आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ाया जाएगा और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हालांकि मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ तकरीबन 5 से 6 दिन, मैंने आपको 3 दिन डिफरेंशियल और 3-4 दिन इंटीग्रेशन का सेशन लिया था, उसमें मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपको सिखा दिए थे राइट। लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको सिंपल लहजे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। क्लियर? एक्चुअली ये d² तब होगा जब ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग होंगी, है ना। लेकिन ये dt और ये dt, ये दो dt जो है अपने आप में वो दो सेपरेट चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज है। डीटी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। क्लियर? ये दो अलग अलग चीज। आप एक बार बताओ, मैं जैसे बोलूं 24 × 24 तो आप इसे ऐसे लिखते हो? नहीं लिखते ना, क्योंकि आपको मालूम है 24 इज अ सिंगल कंपोनेंट, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। तो आप इसे सिंपल ऐसे तो लिखते हो? लिखते नहीं लिखते? बटन पे क्यों ना क्या 2π² क्यों ना लगाओ? क्लियर? समझ रहे ना मेरी बात को? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो डी टी अपने आप में एक सिंगल कॉम्पोनेंट है बेटा। क्लियर है? तो डी टी इंटू डी टी डी टी स्क्वायर, ये एक्चुअली डबल डिफरेंशियल बोलते हैं हम लोग इसे। बाकी का आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहाँ बहुत डिटेल में बात करोगे, यहाँ पर भी मैं इसके एप्लीकेशन थोड़े से समझाऊंगा आपको। फिलहाल मेरी इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप बता दोगे? आप बोलना द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रिलेशन दो हो गए, एक बराबर डी वी अपॉन डी टी और एक मैं जहीं बदलते लिख रहा हूँ। समझ में आएगा हुआ अब कैसे यहाँ हुआ? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पढ़ लो फटाफट से फुर्ती में। ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, यहाँ पर हम थोड़े से एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन v is equal to 3t² meter per second. v is equal to 3t² meter per second. Then calculate the acceleration of the object. Then calculate the acceleration of the object. And also calculate
द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टू सेकेंड, आफ्टर टू सेकेंड। करिए इसे, दो मिनट का समय आपके पास। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी दी गई थी, पट्टा मुझसे एक्सेलरेशन जानना चाहता था। ए छोरे इधर। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ए बराबर डीवी अपॉन डीटी। तो ए इज इक्वल टू डी अपॉन डीटी। वेलोसिटी दइए जी रही 3t स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा, अब काफी सारे लोगों को डिफरेंशियल नहीं आते, जिनको आते हैं उन्हें समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा भैया ये 60 है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक छोटा सा इशारा कर रहा हूं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 2 6 और इसकी टी की पावर, ये टी की पावर 2 है ना, तो यहाँ पावर 1 कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा टी। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वीडियो अपलोडेड देख लेना आप, तो समझ में आ जाएगा आपको, राइट। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो मुझसे कह रहा है कि t बराबर 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 5 सेकंड बाद निकालना होता है भाई, यहां पे t की जगह कितना तान दूं, 5 सेकंड में निकाल रहे हैं तो 6 × 5 तो 6 × 5 = 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कैसे करते हैं? उतार लो पहले जाए फटाफट, सभी ने नोट कर लिया होगा इसे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। If the position of an object, if the position of an object is given by the equation x is equal to 5t square plus 7t plus 2 meter. Then calculate the initial velocity of the object. Then calculate the initial velocity of the object. And also calculate the velocity of the object after 2 seconds. And also calculate the acceleration of the object. And find out which kind of motion is this. करिए, 2 से 3 मिनट का समय दिया आपको। चलिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। वो बोल रहा है If the position of an object is given by the equation this, then calculate the velocity of the object. भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको बचपन में ये पढ़ाया गया था, v बराबर dx upon dt। पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, बताओ। ठीक है, अच्छी बात है, सर में आ जाते हो तुम लोग, हैं बताओ बेटा तुम्हें, चिंता मत, बता देना पूछेंगे ना, नहीं मैंने एक एक कॉमन बता दूंगा, ये तो गारंटी है। तो v बराबर dx upon dt, तो d upon dt x की जगह ये तान दो, 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। कागुए को परेशानी, ब्रैकेट खोलना आपके बाएं हाथ का खेल है जो आज तक नहीं खेला आपने, प्लस d अपॉन dt 7t प्लस d अपॉन dt 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा।
ये अभियाली मैंने बताई थी, 5 to 10 पावर एक कम कर दे दें टी सीम क्लियर जब टी पे पावर का चुनाना था वन है 7 1 0 ये प्लस तो मैंने ये प्लस लगाया था 7 1 0 पावर एक कम कर दे हो ओके यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के दर्शनी ना आ रहे तो कितना होगा जीरो आप महान है आप धन्य बच्चे हैं क्लियर तो वी बराबर त्याला टेंटी प्लस टी की पावर जीरो हाँ पहले ही बता चुका हूँ किसी भी चीज की पावर जीरो होती है उसका वैल्यू वन होता है बेटा राइट तो टी की पावर जीरो वन हो गया वन का मल्टीप्लाई सेवन देख रहे हो तो कापांगो सेवन सीन क्लियर है सभी को यहां तक ये हमारी एक वेलोसिटी आई है जनरल इक्वेशन आया है वेलोसिटी का सीन क्लियर है सभी को का हुआ कोई दिक्कत आगे बढ़ जाऊं चलिए आगे बढ़ता हूं पत्थर ने मोते नो कहिए कि मैं इनिशियल वेलोसिटी बताऊं इनिशियल वाले पूछ रहे ना पूछ रहे का पूछ रहे और इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं यार शर्म करो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम कितने देता हूं अब तो तमीज आएगा यही तुम में आए तो कोई इनिशियल बोले हाली टाइम जीरो है जी चिपका तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टी बराबर टी की जगह जीरो दे देंगे तो 10 into 0 + 7 10 into 0 100 आएगी कितने कितने आएगी जीरो जीरो प्लस सेवन ये आ गया बेटा हमारा इनिशियल वेलोसिटी 7 m/s गॉट इट गाइस बात समझ में आ रही है सभी को अब्बा ने मोते न्यू और पूछिए सुनने होगा न्यू और पूछ रहा कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds 2 seconds बाद निकालनी है तो टी की जगह कहां दे दूं 2 क्लियर 10 2 प्लस 7 सीन क्लियर है तो टी बराबर 2 seconds में 10 to 20 20 + 7 27 m/s ये हमारी आगे वेलोसिटी 2 seconds बाद सीन क्लियर है सभी को अगला मुझसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दूं एक्सेलरेशन का बता देता हूं का ठीक है मैं बता रहा हूं ए बराबर त्याई है का डीवी अपॉन डीटी आप महान है तो ए बराबर त्याई है गई डी अपॉन डीटी वी की जगह का तानना हूं कहीं को मन जा को एरो हो या जा को भैया ये एक स्पेसिफिक टाइम पे वेलोसिटी वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन यहां पर ये है समझ में आ रही है बात तो वेलोसिटी कितने गए 20 + 7 सीन क्लियर है यहां तक ओ तुम्हारा भला हो यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को का हुआ को परेशानी आगे बढ़ रहा हूं गौर से देखिएगा सब लोग ए बराबर ब्रैकेट खोल दूं डी अपॉन डी टी 20 + d/d 7 चलो भैया टी पे पावर का चुनाने दो 1 10 बन जा पावर एक कम करेंगे जे 0 किसी भी चीज की पावर जीरो होती है उसका वैल्यू वन का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10 प्लस 0 करेंगे तो बोलो कहीं ने जीरो बोली थी कमीना तुमने पाप पर हो तुम पे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 10 m/s² लिसन एवरीवन सीन क्लियर है यहां तक ये आपका एक्सेलरेशन भी आ गया ध्यान से सुनिएगा पट्ठा मोते पूछ रहा है कि विच काइंड ऑफ मोशन इज दिस आप ही बता दो विच काइंड ऑफ मोशन इज दिस जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा मोशन होते हैं मोशन दो ही होते हैं या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा कौन सा है कमीनो चोटो ये ए बराबर कांस्टेंट आ रही है ए बराबर कांस्टेंट आ रही है ए बराबर कांस्टेंट आने का मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन समझ में आ रही है बात कल मैंने बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ये पहचान होती है ए बराबर कांस्टेंट बोलो भैया सीन क्लियर है सेकंड ने का क्योंकि यहां पर ए बराबर कांस्टेंट है इट मींस दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन गॉट इट गाइस फटाफट इसे उतार लो फिर आगे की बात करूंगा थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस जय हिंद